हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। देखिए, एसएससी सीजीएल टीयर वन का रिजल्ट आ चुका है और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एक समय के एक बवंडर समझ गया है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। मैं कह रहा हूँ किसी को भी इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं थी जितनी कट ऑफ इस बार गई है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई था और टाइम भी कम मिले थे स्टूडेंट को, लेकिन कट ऑफ जो है पिछले बार की तुलना में बस हल्का सा कम गई है। तो चलिए हम बिना कोई देर के सबसे पहले कट ऑफ देख लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कट ऑफ। यहाँ पर आप जैसे ही आप ये नोटिस जब ओपन करेंगे जो कि एसएससी के साइट पर है, तो आपको तीन तरह के कट ऑफ देखने को मिलेंगे। जो लिस्ट वन जो है वो उनके लिए है, यहाँ पर क्लियरली उन्होंने लिखा है कि जो जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमी यानी कि जो एओओ के पोस्ट के लिए है उनके लिए कट ऑफ है। इनके लिए जनरल की कट ऑफ 152 है और ओबीसी 140, एसटी 123 और एससी का 129 गया है। इसके बाद ये आगे जो है वो स्टैटिक्स वाले के लिए है, इनके लिए भी कट ऑफ 150 प्लस ही है क्योंकि इनमें सीट्स काफ़ी कम होती है, इसलिए इसके लिए इनकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। लेकिन अब बात करते हैं जो मेन जिसका लोगों को इंतजार रहता है, जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, आप ये वाला कट ऑफ को ध्यान में देखिए। तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ की उम्मीद नहीं थी क्योंकि जनरल की कट ऑफ जो है 131 गई है और पिछले साल की तुलना करें तो जनरल की कट ऑफ 137 थी, जो कि उम्मीद नहीं थी कि इतनी जाएगी। इस बार उम्मीद की जा रही थी कि 120-125 के आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद है क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा हाई था और इसके साथ साथ ही टाइम जो है स्टूडेंट को वो 15 मिनट कम गए थे, लेकिन फिर भी इतना हाई कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं थी। और इसके इसमें ऐसा हो सकता है कि कल जो है यानी कि 31 अक्टूबर को कोर्ट केस में हियरिंग भी है एसएससी सीजीएल टीयर वन पर कि नॉर्मलाइजेशन हुआ कि नहीं, लेकिन ये जो रिजल्ट इन्होंने निकाला है वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन निकाला है। तो नॉर्मलाइजेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कल पता चलेगा, लेकिन ज़्यादा चांस है कि नॉर्मलाइजेशन ना हो। और टीयर टू का डेट भी एक्सटेंड हो गया है, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे प्लानिंग करें टीयर टू का। और मैं कट ऑफ एक और फिर से बता देता हूँ, जनरल की कट ऑफ 131 गई है। इसके अलावा हम बात करें तो एससी 103, एसटी का 93, ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 115 गया है ज़्यादा, यानी कि ओबीसी और जनरल के बीच में 16 मार्क्स का फर्क है। तो ये कट ऑफ की बात, और इतने स्टूडेंट ने इस बार क्वालिफाई किया यानी कि 150,404 स्टूडेंट ने टोटल क्वालिफाई किया है। और टीयर टू का जो डेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टीयर वन टीयर टू जो है साथ लिया जाएगा और वो 21/12/2017 को लिया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय।